सो हेलो गाइज, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 स्टार्ट होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। जहां सभी टीम वर्ल्ड कप 2019 की पूरी तैयारियां भी कर चुकी हैं, तो वहीं सभी क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए अपनी अपनी टीम का कन्फर्म स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया था। तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर निजामुल हक ने भी पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों का टीम स्क्वाड अनाउंस कर दिया था वर्ल्ड कप 2019 के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की टीम से दो बड़े खिलाड़ी को उनके खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है वर्ल्ड कप 2019 से जस्ट पहले ही, और इनकी जगह पर दो जबरदस्त खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो गाइस, क्या पूरा माजरा, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में कि किन दो खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और किन दो बड़े खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बैट एंड बॉल ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है, जो कि ये इंडिया का फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स ऐप है। इसमें आपको 1 से लेकर 11 तक खिलाड़ी लगाने होते हैं। उनके प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें कोई भी क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है। आप इसमें मनचाहे खिलाड़ियों की टीम बनाकर खेल सकते हैं किसी भी ऑर्डर में सेट करके। इसमें आप ग्रैंड लीग में अनलिमिटेड टीम लगाकर खेल सकते हैं। फ्री लीग और पेड लीग दोनों अवेलेबल है इस ऐप में। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहां इससे पहले पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों का कन्फर्म स्क्वाड अनाउंस किया था वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जहां टीम में मोहम्मद आमिर नहीं थे पहले वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड का हिस्सा, तो वहीं आसिफ अली भी नहीं थे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम में हिस्सा। लेकिन इन दो खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अचानक वर्ल्ड कप 2019 के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है, और ये कन्फर्म रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ चुकी है। जहां पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की खराब फॉर्म के चलते मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, क्योंकि मोहम्मद आमिर एक बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं और इंग्लैंड में इनका रिकॉर्ड भी काफी शानदार रहा है। वहीं अगर हम बात करें आसिफ अली की, तो आसिफ अली को इससे पहले टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ इन्हें मैच में मौका मिलते ही लगातार 2 हाफ सेंचुरी भी लगा दी थी, जिसके चलते मजबूर किया सिलेक्शन के लिए। और अब आखिरकार पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों ही खिलाड़ियों को पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए। अब अगर हम बात करें उन दो खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है उनके खराब फॉर्म के चलते, तो यहां पर नंबर 1 पर नाम आता है फहीम अशरफ का, जो कि पहले ये वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन खराब फॉर्म के चलते इन्हें वर्ल्ड कप 2019 का बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो वहीं टीम में आबिद अली, जो कि दूसरे खिलाड़ी हैं, जो कि ये भी पहले पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा थे वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन इन्हें भी टीम से बाहर कर दिया है। दोस्तों, आबिद अली एक जबरदस्त यंग प्लेयर है, जो कि अपने पहले ही मैच में जबरदस्त सेंचुरी लगाया था, लेकिन इनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लैंड में खेलने के। ऐसे में इसके चलते ही इनकी जगह पर टीम में आसिफ अली को शामिल किया है, जो कि आसिफ अली एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं और अपने दम पर पूरा मैच पलटकर भी रख सकते हैं, और इस टाइम पर काफी शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। जो कि आबिद अली को पाकिस्तान की टीम में एज अ थर्ड ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद हफीज भी शामिल है, जो कि मोहम्मद हफीज भी काम आने पर ओपनिंग की बल्लेबाजी कर सकते हैं। अगर फखर जमान या फिर इमामुल हक में से कोई भी बल्लेबाज इंजर्ड होता है, चोटिल होता है, तो ऐसे में तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐन मौके पर, आखिरी मौके पर बढ़िया सिलेक्शन कर लिया है पाकिस्तान टीम के लिए। तो गाइस, बिना देरी के चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम के कन्फर्म स्क्वाड के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो कुछ इस तरह से है पाकिस्तान टीम का स्क्वाड, जो कि नंबर 1 पर है सरफराज अहमद कप्तान, नंबर 2 पर फखर जमान, नंबर 3 पर इमामुल हक, नंबर 4 पर बाबर आजम, नंबर 5 पर शादाब खान, नंबर 6 पर शोएब मलिक, नंबर 7 पर साइन शाह आफरीदी, नंबर 8 पर हसन अली, नंबर 9 पर मोहम्मद हफीज, नंबर 10 पर इमाद वसीम, नंबर 11 पर जुनेद खान, नंबर 12 पर मोहम्मद हसनैन, नंबर 13 पर हारिस सोहेल, जबकि नंबर 14 पर है मोहम्मद आमिर। तो इसके बाद नंबर 15 पर है आसिफ अली, हार्ड हिटर। दोस्तों, ये पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ियों का पूरा कन्फर्म स्क्वाड वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने राय जरूर दें। आपके हिसाब से पाकिस्तान की टीम अब कितनी ज्यादा मजबूत है, क्या वर्ल्ड कप 2019 जीत पाएगी या फिर नहीं। वहीं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।